हेलो एंड वेलकम ऑल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू वॉइस, उसमें पांच रोल्स थे जो यही है, पांचों रोल्स आपने देख लिया था। मैंने कहा था कि इन पांचों रोल्स की सहायता से हम सारे टेंसेस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बदल देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें साथ में मैंने बतलाया था कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनका केस में बदलाव हो जाता है, अगर सब्जेक्ट जगह पे होते हैं तो नॉमिनेटिव केस में, और अगर ऑब्जेक्ट जगह प्रोनाउंस होते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, यह भी बतलाया था और सबका आपको याद होगा यही आशा है। अब आज हम पढ़ेंगे सारे टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम, और जो टेबल आपको दिख रहा है इस टेबल को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। उसमें हम यही देखेंगे कि जिस तरह से मैंने पिछला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन टू पैसिव वॉइस था उसमें कहा था कि केवल रूल नंबर टू बदलता है, हेल्पिंग वर्ब बदलता है टेंसेस का। जो रूल होता है सिंपल प्रेजेंट का वही रूल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलता है। तो हम लास्ट में जब इस टेबल को देखेंगे तो हम ध्यान रखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स का और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे हमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा ध्यान रहेंगे। तो अभी शुरू करते हैं पहले टेंस का, और पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का किसी भी टेंस का बतलाएंगे तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा उस पार्टिकुलर टेंस का, ताकि टेंस भी ध्यान आ जाए, और फिर टेंस के स्ट्रक्चर के बाद पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा और एक उदाहरण रहेगा जिसका पैसिव वॉइस में चेंज भी किया जाया रहेगा। तो जितने हम टेंस पढ़ने वाले हैं उतना का ऐसे ही रहेगा। आपकी जानकारी से आप जानते हैं कि पूरे 12 टेंस में से केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस सामान्यतः बनता है, इसलिए हम 8 टेंस का ही पढ़ेंगे। तो 8 में से पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सो आगे बढ़ते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज, एम या आर में से कोई एक, प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आप सब समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में, सारे टेंसेस के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट शुरू में रहेगा, ऑब्जेक्ट सबसे अंत में रहेगा। ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले चाहे V3 के जस्ट बाद बाई का रहना जरूरी है, और V3 सारे ही टेंसेस के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में रहेगा, V3 का प्रयोग अनिवार्य रहेगा और बदलते रहेगा टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस के लिए, बाई भी, आप समझ रहे हैं, ये सब जो चारों है। और आप जानते हैं जो रूल हमने पढ़ा है जनरल रूल्स, उसे आप जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाता है, और फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो देखते हैं जरा, आस्था कुक्स मिल, V5 है, आस्था सिंगुलर है तो V5 का प्रयोग किया है, मिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हो गया सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जांपल एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, मिल को पहले रख लाएंगे, ला दिया, मिल के अनुसार, मिल जो कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है इसलिए इज लग जाएगा, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 लगाना होता है तो कुक का V3 कुक्ड होता है, V3 के बाद बाई का प्रयोग करते हैं, और फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर आ जाता है, अगर प्रोनाउन होता है तो उसे चेंज कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये हो गया चेंज। तो इस तरह से पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे ही चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में। ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर में से कोई एक। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, टेंस का सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर होता है और फिर V4 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। V4 का मतलब वर्ब में ING, यही होता है। अब पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, तो आप जानते हैं यह नहीं बदलता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, V3, बाई हर जगह रहेगा, सारे टेंसेस में ही रहेगा। क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए एक तरीका जान लीजिए कि
जिस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ऐसे आपकी जानकारी के दो टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमेशा नहीं होता है, दिखता नहीं है, हमेशा नहीं होता मतलब हमेशा नहीं दिखता है। सिंपल प्रेजेंट का होता है डू डज और सिंपल पास्ट का होता है डिड। दिखता था हमारा, इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया ना, स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है इसका भी और सिंपल पास्ट का भी। तो याद रखना पड़ता है कि पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक होता है। लेकिन जिस टेंस के स्ट्रक्चर में पैसिव टेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब दिया है, पैसिव वॉइस में भी वो पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और एडिशन में भी कुछ और यूज होगा। तो यहाँ पे बींग ला देंगे एडिशन में, जो इधर का है वो तो आएगा ही आएगा, बींग भी आएगा। इसे पढ़ते हैं बींग, बींग नहीं, इसे पढ़ते हैं बींग, सिंपल सा बींग। तो यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। चेंज करके देखते हैं, आस्था इज कुकिंग मील, अब क्या करेंगे, मील 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 के बाद इज मार, तो इज, इसके बाद बींग तो बींग डाल दिया, फिर वी थ्री कुकड, फिर बाई, फिर आस्था। तो ये जो रूल है चारों, यहाँ तो बदलाव होने नहीं है, बदलाव तो होनी है इतना में ही, और इतना में भी जो हेल्पिंग वर्ब है अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो सारा का सारा ऐसे ही आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा वर्ड आता है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो होता है बींग। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हैज या हैव में से कोई एक, वी थ्री और ऑब्जेक्ट, इतना ही होता है टेंस का स्ट्रक्चर में। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो सब्जेक्ट वी थ्री बाई ऑब्जेक्ट, तो ये अपने याद कर लिया है कि सब में सारे टेंसेस में ही होगा इसी सीक्वेंस में। अब इधर हेल्पिंग वर्ब जो है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आएगा और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीन जुड़ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बीन। चेंज करते हैं, पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, आस्था हैज कुक्ड मील, अब मील डालेंगे, मील के बाद हैज या हैव में से कोई एक डालेंगे तो हैज ही होगा, आप जानते हैं मील सिंगुलर होता है। और बीन डालना है, हैज डाले चाहे हैव डाले, बीन तो डालना ही डालना पड़ेगा, तो बीन डाल दिया, वी थ्री डाल दिया, वी थ्री के बाद बाई हो गया और फिर ये आस्था यहाँ पर शब्द, आस्था शब्द यहाँ पे प्रकट हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हमने बना लिया है। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का वो रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जो रहता है एक्टिव वॉइस का वो हेल्पिंग वर्ब के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड बीन जोड़ जाता है। तो इसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद, अगर टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सामान्यतः नहीं बनता है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में तीन पढ़ लिए, अब पास्ट में पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। मैंने क्या कहा था कि सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, कहा था, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसका याद रखेंगे, वॉज या वर में से कोई एक वर्ड रहेगा, वॉज या वर में से, सब्जेक्ट वी थ्री बाई ऑब्जेक्ट, तो आपको याद हो गया है। तो अब इसको जरा चेंज करते हैं, आस्था कुकड मील, तो फिर मील लाएंगे, मील के बाद वॉज या वर सिंगुलर होता है तो वॉज आएगा, वॉज को वॉज पढ़ते हैं स्पोकन में, बोल सकते हैं वॉज भी बोले सही है, वॉज भी बोले सही है, फिर कुकड हो जाएगा, फिर बाई हो जाएगा, फिर आस्था आ जाएगा। तो यह हो गया सिंपल पास्ट का। अब जो टेंस का आपको दिखाऊंगा टेबल ना, वहां से भी बहुत हेल्प मिलेगा समझने में, लेकिन आप पहले एक एक टेंस का समझते जाइए। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर याद रहेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब याद रखना पड़ेगा वॉज या वर, बाकी सब तो आपको याद रहेगा, सारे टेंसेस में होता है या इसी सीक्वेंस में। इसके बाद होगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस टेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होता है, तो पैसिव वॉइस में भी वॉज या वर रहेगा, और फिर बींग भी एक रहेगा एक्स्ट्रा वर्ड बींग, फिर सब्जेक्ट वी थ्री बाई ऑब्जेक्ट तो रहना ही रहना है। चेंज करेंगे अगर हम, आस्था वॉज कुकिंग मील, यहाँ पे क्या होगा मील वॉज, यहाँ पे बींग जोड़ना पड़ेगा,
तो बींग कुक्ड बाई आस्था। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज होता है। याद रखना हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर और फिर बींग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, ये पता है आपको। वी थ्री ऑब्जेक्ट है तो पता है, टेंस में पढ़ लिया है आपने। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में क्या होगा, यह सब तो आपको याद हो गया, ये रहना ही रहना है। जो हेल्पिंग वर्ब अगर दिया हुआ है तो वही पैसिव वॉइस में भी उतारते हैं, रखते हैं। और एक्स्ट्रा वर्ड बीन, वर्ड नहीं अभी हेल्पिंग वर्ब ही है, बीन जोड़ देते हैं। तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड बीन। हैड बीन हर जगह रहना चाहिए पैसिव वॉइस में, अगर वह पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो। आस्था हैज कुक्ड मील, यहाँ पे देखिए आस्था हैड कुक्ड मील, इसका क्या करेंगे, मील हैड, बीन है तो बीन डालना पड़ेगा, कुक्ड बाय आस्था। तो यह हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, याद रखना पड़ेगा हैड के साथ बीन जोड़ते हैं। इसके बाद होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने देखा। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, वैसे ही इसका भी सामान्यतः नहीं बनता है, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं पढ़ेंगे। तो आगे आएगा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है, टेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है शैल या विल। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहना ही रहना है, पता है आपको, शैल या विल रहता है। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब तो ये उतर जाएगा, छप जाएगा ऐसे ही, और फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी जुड़ जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यही है स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस का। चेंज किया हुआ है आस्था विल कुक मील, यहाँ पे मील हो गया, मील के बाद विल और फिर बी लाना पड़ेगा, तो बी लाया, कुक्ड बाय आस्था। यह हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस सामान्यतः नहीं बनता है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। और आगे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यह है टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है, विल शैल और फिर हैव भी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब में इतना रहेगा। और आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में अगर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है तो पूरा पूरा जाएगा, छप जाएगा, छप गया, पूरा छप गया, और एक एक्स्ट्रा वर्ड भी आएगा, वो है बीन। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यही है, यही यहाँ ध्यान दे दीजिए। यह इसमें हेल्पिंग वर्ब तीन वर्ड का होता है, विल या शैल में से एक रहेगा, फिर हैव रहेगा, फिर बीन रहेगा। तो एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, आस्था विल हैव कुक्ड मील। इसका पैसिव वॉइस अगर बदलेंगे तो मील आएगा, मील के बाद विल आएगा, विल के बाद तो हैव आना ही आना है, और फिर बीन भी आना है। तो हमने पूरा हेल्पिंग वर्ब डाल दिया, मील विल हैव बीन और फिर कुक्ड बाई आस्था। तो इस तरह से हमने देख लिया पूरे आठों टेंसेस का कैसे बनता है पैसिव वॉइस। एक टेबल देखिए जरा, इस टेबल को देखने से आपको ध्यान हो जाएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो जनरल रूल्स पढ़े थे उसमें रूल नंबर एक क्या था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। रूल नंबर दो क्या था कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी होता है सिंटेक्स का रूल उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वी थ्री लिखते हैं। वी थ्री के बाद आपने देखा था कि हम बाई का प्रयोग बिल्कुल करते हैं, भूलते नहीं हैं। और बाई के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो कि होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट।
यह जनरल रूल था। इसमें कहा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने का काम तो ठीक है, तो कर लेंगे आप, V3 भी लिख लेंगे आप, V3 को बाय भी लिख लेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदलते रहता है टेंस के अनुसार, तो हेल्पिंग वर्ब पे ही ध्यान में रखकर ये टेबल बनाया गया है। अगर आपको टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब याद रहेगा तो आप आराम से उनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि टेंसेस 3 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के चार चार प्रकार, सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार प्रकार हो गए। अभी देखिए, एक ही बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपने देखा भी था कि जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस थे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों का नहीं बनता है पैसिव वॉइस, तो इनके सामने लिख दिया है अनकॉमन, इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। फ्यूचर में भी होता है, फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं हम सामान्यतः, तो यहाँ लिख दिया है अनकॉमन। तो इस तरह से मैं चार टेंसेस का तो निकाल दिया, इनके बारे में सोचना ही नहीं है हमें। बच्चे आठ में देखिए, आठ में आपको एक मैं हेल्पिंग वर्ब बतला रहा हूं, वह है बी, बी यहां लिख दे रहा हूं। बी का पहला फॉर्म होता है बी, दूसरा फॉर्म होता है वाज या वर, तीसरा फॉर्म होता है बीन, चौथा फॉर्म होता है बीइंग, पांचवा फॉर्म होता है इज, एम या आर। ये जो बी है इसका पांचों फॉर्म लिख दिया। अभी देखिए, जिधर जिधर ये परफेक्ट है, या ये कहिए कि एक्टिव वॉइस में बी थ्री है, आप इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा देखते हैं तो देखिए, यहाँ पे जो पिंक कलर में लिखा हुआ है इधर, यह पार्टिकुलर टेंस का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे यह पास्ट वाले सबका स्ट्रक्चर है, यहाँ फ्यूचर वाले सबका स्ट्रक्चर है, और जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है पार्टिकुलर टेंस का। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि किसके सामने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है, किसके सामने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है। पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे अगर हम, तो कंटिन्यूअस टेंस जितना भी होता है, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, सब में होता है V4, सब में V4 होता है। पास्ट जितना होता है सब में होता है V3। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट जितना होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, V3 होता है। ठीक है, जरा हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं अगर हम कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम या आर होता है, पास्ट में वाज या वर, टेंस की बात कर रहे हैं अभी हम, और फ्यूचर में विल, शैल और बी होता है। फ्यूचर का जितना भी होता है सब में विल, शैल, विल, शैल, विल, शैल रहता है, हाँ याद रखेंगे आप। तो आपने क्या देखा कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस है सबके अंत, सब में V4 होता है, चाहे जो भी परफेक्ट टेंस है सब में V3 होता है। ठीक है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, बीन है ना, बी का थर्ड फॉर्म बीन। तो आप देखिए जरा, अगर हम पैसिव वॉइस देखते हैं सारे परफेक्ट टेंसेस का ही, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इन आप तो ये भी जानते हैं ना कि सारे सारे पैसिव वॉइस में V3 का ही प्रयोग करते हैं, तो V3 पे तो बात ही नहीं करेंगे हम, सारे पैसिव वॉइस में V3 आता ही आता है, तो इसलिए V3 बात नहीं करेंगे, बीन पे बात करेंगे। बीन कैसे, तो देखिए, जितना भी परफेक्ट टेंस यहाँ पे लिखा है उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उन सब में बीन जोड़ा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में और फ्यूचर परफेक्ट के भी पैसिव वॉइस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, V3 है, इसलिए हम बीन को ही रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि थर्ड फॉर्म ही रखेंगे बी, वर्ब बी का, क्योंकि
पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है मेन, उसके साथ वर्ब वी को भी रखते हैं। तो यहाँ पे वी थ्री बी का थर्ड रूप बीन रखा जाता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस में यहाँ पे क्या है, वी फोर है तो बी का, यहाँ वी थ्री था इसलिए बी, वी फोर है इसलिए इसका फोर्थ फॉर्म, बी का फोर्थ फॉर्म बींग। सबका पैसिव वॉइस में बींग रखेंगे, बींग बींग। तो आपको याद रहेगा कि मैंने तो कहा शुरू में ही कि किसी भी टेंस का अगर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी तो आप जानते हैं, उसको तो दोहराना नहीं हमें, वो तो आप कर ही लेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात जहां तक है, तो अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम रखेंगे, इज एम आर है तो रखेंगे, यहाँ वाज वर है तो रखेंगे, और यहाँ विल शैल है तो इसका तो बनता नहीं है, इसलिए हमने कुछ इसकी बात ही नहीं करेंगे। यहाँ भी हैज हैव है तो इधर भी हैज अब रखा है, इधर हैड है तो यहाँ भी हैड रखा है। अगर टेंस में रहेगा, यहाँ विल शैल हैव है तो विल शैल हैव को रखा है, जितना भी होगा उतना को रखेंगे। अगर टेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में भी रखेंगे, और एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीन जोड़ेंगे कंटिन्यूअस में, जितना कंटिन्यूअस होगा बीन आएगा। प्रेजेंट कंडीशन बीन है, यहाँ पास्ट कंडीशन बीन है, हेल्पिंग वर्ब जो था पहले वो था ही, अब बीन भी रहेगा। ऐसे ही परफेक्ट में भी बीन रहेगा, बींग है, बींग कंटिन्यूअस में बींग है, परफेक्ट में बीन रहेगा। तो देखिए हैज हैव तो आया ही है, फिर बीन, फिर हैड है तो फिर बीन, विल शैल हैव है तो फिर बीन। तो ये इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि कंटिन्यूअस टेंस का चाहे परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जो टेंस का होता है वह कंटिन्यूअस का है तो उसके साथ बी ई आई एन जी जोड़ देते हैं, और परफेक्ट में बीन जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में। इस तरह से आपको एक पूरे कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का याद रहेगा। बात है अब सिंपल का, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये दो टेंस ऐसे हैं जिनका हेल्पिंग वर्ब हमेशा सामने नहीं होता है। हाँ, तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे, इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट वी थ्री बाई ऑब्जेक्ट तो करना ही करना होता है। ऐसे ही सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज या वर ही रखेंगे, इनमें से कोई एक रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेशल केस है, इनका हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में नहीं होता, जिनका होता है उसको छाप ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए याद रखना पड़ेगा इज एम आर, यहाँ पे वाज या वर। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहता है तो हेल्पिंग वर्ब डाल देंगे, रहेगा तो छाप देंगे, और बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से कहें तो यहाँ पे वी वन है इसके स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, बी आ जाएगा, इधर कहीं वी वन, यहाँ पे बी नहीं आता, ई जेम आर ही आता है, यहाँ पे वॉज वर ही आता है, याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पे विल शैल के बाद बी रखेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक दो बार इसको रिपीट करके समझ सकते हैं अच्छा से, या समझ भी गए होंगे ऐसे भी आप कि किस टेंस के पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। बाकी चार सब्जेक्ट वी थ्री बाई ऑब्जेक्ट तो सब में है, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दीजिए। ध्यान रखिए आप किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बदल लेंगे, लेकिन ध्यान रखने से सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, जनरल रूल्स की, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वी थ्री, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, साथ में कोई प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है, उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना पड़ता है। वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस मतलब उसे नॉमिनेटिव केस में बदलते हैं, जो कि हम इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता दिया है हमने आपको। आशा है यह आपके लिए अच्छा होगा, बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।